हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में अपन ने ये थाइलर कोलियो को टेम किया था और इसका नाम रखा था अंडरटेकर, क्योंकि कहीं से भी आ जाता है। उसने तो अपन को दो बार मार भी दिया था, अपने आरजे को भी मार दिया था, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है इस समय और इसके 4 पॉइंट इसको मिले हैं, 5 पॉइंट मिले हैं। तो सारे के सारे हेल्थ में अपन इन्वेस्ट कर देते हैं और आज इसको अपन लोग लेवल अप कराने ले जाने वाले हैं। और यहाँ पर थोड़ा शोर हो रहा है गाइस, तो देखते हैं। यहाँ पर शोर हो रहा था तो मैं गाइस यहाँ पर आया और यहाँ पर देखने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ टेरर बर्ड की आवाज आ रही है। तो मेरे पास जब मैंने देखा इन्वेंटरी में तो मेरे पास नहीं थी एक भी शॉर्ट गन की एमओ। तो सबसे पहले मैंने कुछ शॉर्ट गन की एमओ बनाई और उसके बाद उस टेरर बर्ड को मारने के लिए सीधे नीचे जंप कर दिया और देखा कि वहां पर एक टेरर बर्ड और एक सेवर तत्व है। सेवर तत्व का मुझे पता नहीं था, लेकिन वो सेवर तत्व मिल गया और ये काफी ज्यादा हाई लेवल का था, 390 लेवल का सेवर तत्व था, लेकिन अपनी एक ही शॉर्ट गन में वो खत्म हो गया। और इतने प्रो गेम प्ले के बाद फिर मैंने ये गेट खोले तो भाई मैं इस गेट के अंदर ही नहीं जा पाया था। इसके साथ ये पता चलता है कि बैलेंस बना रहना चाहिए प्रो गेम प्ले के साथ, नो गेम प्ले भी फ्री। और राइट गाइस, तो अभी अपने पास एक भी फ्लाइंग डाइनो नहीं है और इसी मौके पर अपन को ये फ्लाइंग डाइनो अपने बेस के अंदर मिल गया, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और इसका नसीब बहुत अच्छा था जो कि ये मेरे पास आया और जैसे ही मैंने बोला निकाला तो भाई उड़ के भागने लगा। तो इसको मैंने बोला मारा और इसको 2 इंजेक्शन लगाए, वो भी मुँह के अंदर, और 490 का डैमेज पड़ा भाई। काफ़ी हाई लेवल का अपना क्राइम उस पर रसबो है। और फिर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी केबल लेके आया और उसको मैंने केबल खिलाई, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल अप मिल जाता है गाइस, तो व्हाई नॉट। और कैराटीन मैंने थोड़ा इकट्ठा किया ताकि मैं इसके लिए एक अच्छा ब्लूप्रिंट वाला सैडल बनाऊं, लेकिन वो कम पड़ गया तो फिर मैंने ऐसी नॉर्मल सैडल बना लिया इसके लिए और इसको वो सैडल मैंने पहना दिया। और राइट, और इस बार इसका 5 लेवल अप हो चुका है तो इसको सारा का सारा हेल्थ में लगा दिया मैंने पॉइंट्स, क्योंकि टेराडॉन की हेल्थ काफ़ी कम रहती है। और फिर मुझे याद आया कि हाई आरजे टेम करने से पहले अपन ने अभी कुछ बनाया तो है ही नहीं अपने लिए, और कुछ मैंने हीलिंग पेस्ट बना लिए जिससे कि अपन लोग को अगर हील करने की ज़रूरत पड़ी तो अपन हील कर सकें, अपने डायनो को भी हील कर सकें। और फिर मैं जैसे ही बाहर निकला तो मेरे को यहाँ पर एक अल्फा रैप्टर मिल गया भाई, और जो कि उसके साथ काफ़ी देर तक अपन लोग ने कुश्ती लड़ी और देखा कि अपनी तो भाई बहुत ही ज़्यादा पिटाई हो रही है, उसने बहुत पिटाई की अपनी। फिर अपन ने जल्दी से हीलिंग पेस्ट खा लिया और फिर मैंने कहा बाढ़ में जा। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से बेस पे आ चुका था और यहाँ पर मैंने देखा कि अपन ने सब कुछ बना लिया पर ट्रैंकुलाइजर डार्ट्स ही नहीं बनाए और अपन को उसके लिए अपन को नार्कोटिक्स की भी ज़रूरत थी। तो मैं अपने किंग कॉन्ग को लेके आ गया बाहर और यहाँ पर हमने थोड़ी बैरीज फार्म करी और अपना किंग कॉन्ग भाई बैरीज फार्म करने में एक नंबर का है भाई, बहुत सारी बैरीज फार्म करी और सारी की सारी बैरीज अपनी इन्वेंट्री में डाल के किंग कॉन्ग की इन्वेंट्री खा ली। किंग कॉन्ग बहुत खुश हो रहा था कि इसके इन्वेंट्री में कुछ मिलेगा, लेकिन सारा का सारा मैंने रख लिया और पूरी की पूरी नार्कोटिक्स की बैरीज उसके अंदर डाल दी। और फिर वहाँ से लेके आया मैं गैसोलीन और अपने केमिस्ट्री बेंच पर वो गैसोलीन डाल के अपन ने यहाँ पर काफ़ी सारे नार्कोटिक्स बनाए और दुख के साथ वो अपना किंग कॉन्ग देखते रहा। फिर बाहर घूमने आया ताकि अपना नार्कोटिक्स बन रहा है, जब तक देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारे डायनासोर है और जितनी तेज़ी से आया उतनी तेज़ी से वापस भी चला गया, क्योंकि बहुत सारे डायनासोर देखे थे और मेरी फट ही गई थी। और इसी के साथ फिर मैंने देखा कि यहाँ पर अपने नार्कोटिक्स ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और तब भी अपना किंग कॉन्ग इतनी आशा भरी नज़रों से देख रहा है। और गाइस, अपन ने एक ऑटर भी टेम कर लिया जो कि मुझे बाहर घूमते हुए मिल गया था नदी पे, अपनी जो बाहर जो नदी जा रही है उसी पे, और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है भाई, इसलिए मैंने इसे टेम कर लिया। इसका मुझे यूज़ नहीं पता लेकिन मेरे को बहुत क्यूट लगा और मैंने इसको टेम कर लिया, क्योंकि पैसिव टेम था भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और फिर यहाँ पर मैंने कुछ मेटल ले लिया था तो मैं मूव नहीं कर पा रहा था, मेरा वेट कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो मैं अपने थाइला कुलियो को बुलाया, उसका लेवल अप देखा मैंने कि भाई इसका 21 लेवल अप हो चुका है, क्योंकि इसने कुछ मार दिए थे इधर टेराडॉन और उसकी वजह से इसका लेवल अप हो गया। और फिर मैंने इसके सारे पॉइंट्स इसके हेल्थ में लगा दिए, मैं सोचा था कि इसकी 10,000 हेल्थ हो जाए उसके बाद फिर मैं इसका मेले डैमेज लगाऊंगा, लेकिन इसको इन्वेंट्री इसकी इतनी भर गई थी कि इतना स्लो चल रहा था भाई, मोटा तो इतना ही जितने सब कुछ उठा लेगा लेकिन वेट इतना उठा ही नहीं पाता। और फिर सारा का सारा मेटल मैंने यहाँ रख दिया, मेटल की कमी पड़ी थी तो फिर मैं अपने इंडस्ट्रियल फोर्स से मेटल लेने आ गया
और फिर मैं दोबारा से स्मृति पे गया और वहाँ पर मैंने अपने काफ़ी सारे ट्रैंकुलाइजर डार्ट बनाए और फिर से मेटल की कमी पड़ गई। तो फिर इंडस्ट्रियल फोर्स को मैंने स्टार्ट किया और वहाँ पर मेटल बनने छोड़ दिया और फिर मैंने देखा कि एक और टेराडॉन इधर घूम रहा है और उसको मैंने सरप्राइजली उसको मैंने हेलो बोला और वो बिना दोस्ती करे ही भाग गया। ख़राब लगा मुझे बहुत। और फिर मैंने देखा कि अपना ये किंग कॉन्ग काफ़ी दुखी के साथ वहाँ पे आग में बैठ रहा था गुस्से में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, अच्छे बेचारे के इसके कुछ भी खाने को नहीं था। तो फिर मैं इसको दोबारा से इसके पास गया और उसको इसके ऊपर सवार होकर दोबारा से बेरीज फार्म करने चला गया ताकि ये थोड़ा खुश हो जाए। और ये काफ़ी खुश था उस समय। और फिर हमने खूब सारी बेरीज फार्म करी और हमने बाकी की बैरीज जितनी भी थी सारी उठा के हम आ गए और सारी बैरीज मैंने अपनी इन्वेंटरी में शिफ्ट करी और बाकी की बैरीज फेंक दी। और फिर ये दुखी हो गया और कोई बात नहीं, इट्स हैपन्स। फिर मैं ऐसे पास बुलाया कि इसको थोड़ी बैरीज खिला दूँ, लेकिन इसकी इन्वेंटरी में मैंने उल्लू बना के इसको मैंने सारा का सारा मैटर रख दिया और वाई नॉट। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए कुछ ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स और बनाए और फिर ये भी अपने एक घुसपैठिया घुसाया था, इसको घुसा मार के मैं और भाग गया वहाँ से एज ऑलवेज। और इसी के उसके बाद फिर मैंने देखा कि काफ़ी सारे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स अपने रेडी हो चुके हैं और फिर अपन लोग रेडी थे। और ये हॉ हॉ बहुत करता है भाई, तो गर्मी सर्दी लगती है। तो मैंने इसको है ना घिली सूट पहना दिया जो कि अब काफ़ी बढ़िया है, इससे देखने में भी अच्छा लगता है। ओके, यहाँ पर अपना थाइला कोलियो ने उसको हेलो बोला और राइट। और यहाँ पर फिर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल लेके और अपना गिले सूट न्यू ब्रांड न्यू गिले सूट पहन के और निकल लिया। सिर्फ मैंने शर्ट पहनी है क्योंकि पैंट आई डोंट लाइक पैंट गर्मी में और निककर मैं बना नहीं सकता। और फिर काफ़ी सारे अर्जेंट टिप्स देखे मैंने यहाँ पर, एक 44 लेवल का काफ़ी सारे देखे और वो जो पिछले। और फिर मैंने यहाँ पर देखा कि एक अर्जेंट टेवेस पत्थरों के नीचे घिले स्टोर रखा। फिर मैंने उसकी हेल्प करी थोड़ी बाहर निकलने में और काफ़ी ज़्यादा ही मैंने उसकी हेल्प कर दी थी और वो छटपटा के मर गया। ख़राब लगा मुझे, उसका दुख है। और फिर मैंने काफ़ी सारे अर्जेंट टेवेस देखे और उनको दोस्त बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सारे इधर उधर भाग रहे थे मुझसे, पता नहीं क्यों ये चीज़ का एहसास नहीं हुआ। फिर मेरे टेराडॉन ने एक स्टंट दिखाया, भाई कतई कलाकार हो रहा है। और उसके बाद काफ़ी देर बाद मुझे एक अर्जेंट टेवेस मिला जो कि 280 लेवल का था। तो मैंने उसको ट्रिगर किया और अपने पीछे फॉलो कराया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा झुंड में था। और फिर उसको मैं टेम करने का प्रोसेस शुरू कर दिया और फिर मैंने अपने ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स निकाले और एक उसकी खोपड़ी में मारा, जिसकी वजह से वो मेरी तरफ मेरे को मारने के लिए आया और उसका टॉर्पोर हिट हो रहा था, वो मैं देख रहा था। और जैसे ही वो क्लोज आया तो मैं फटाक से अपने टेराडॉन पर बैठा और दोबारा से ऊपर आ गया और फिर मैं उसको एक और डार्ट मारा। और वो ये जगह थोड़ी फ्लैट है और उसने अपने टेराडॉन को भाई पकड़ के काफ़ी ज़्यादा धुना, लेकिन मुझे पता था कि मेरा टेराडॉन का थोड़ा हेल्थ है तो मैं थोड़ा चांसेस ले सकता हूँ क्योंकि इसका हाई लेवल था। लेकिन मेरे को इसमें ये ग्लिच बहुत बेकार लगता है, जैसे ही अपन टेराडॉन से उतरते हैं तो ये जो राइफल रहती है वो एकदम लॉक सी हो जाती है और 2-3 सेकंड बाद फिर ये हिट कर पाती है, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है। लेकिन ऐसा ग्लिच मेरे साथ कई बार हुआ है इस गेम के अंदर, तो कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। और फिर यहाँ पर मैं वेट किया और मेरा टेराडॉन के साथ साथ मैं भी नीचे गिरने लगा और फिर मैंने इसको है ना फॉलो करवा लिया ताकि मुझे समझ गया था मैं कि इस पहाड़ पर अगर मेरे को इसको टेम करना है तो इसको फॉलो करवाना पड़ेगा क्योंकि किसी भी वक्त मैं कहीं पर भी गिर सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैं हर जगह पर बार बार रुक रुक के और ऐसे गिरते पड़ते मैं इसको काफ़ी बार मैंने काफ़ी सारे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स मार दिए और इसका टॉर्पोर हिट हो रहा था। दोबारा से मेरे साथ यहीं पर वो ग्लिच हुआ था जिससे कि मैं हिट ही नहीं कर पा रहा था उतरने के बाद तुरंत, और काफी टाइम बाद मेरी राइफल रीलोड होके फिर वो हिट हुई। और ये फॉलो करवाने वाली ट्रिक मेरे को काफी फायदेमंद रहा इस वाले पूरे टेमिंग प्रोसेस में, क्योंकि मेरे को पता था कि इस पहाड़ पर तो मैं बहुत बार गिरने वाला हूँ और हर बार गिरता और मैं इसको पहले पेल ही देता था, क्योंकि वाई नॉट, अपन लोग टेम करने आए हैं तो टेमिंग पहले ध्यान देनी चाहिए। वैसे भी मेरे को अपना टेराडॉन का कोई फिक्र नहीं है क्योंकि मेरे को इसका कोई मतलब भी नहीं है, इसको मैं इतना यूज़ करने वाला नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ आरजे के लिए इसको टेम करना था। तो
तो जो कि ये काम ठीक से कर रहा है। अगर ये मर भी जाता है तो भी मेरे को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसको तो क्रायोपॉड में ही रखना है। और ये आरजे अपना जो टेम होने वाला है इसी से अपन लोग सफ़र करेंगे आगे। और राइट, और यहाँ पर उसने अपने टेराडॉन को बहुत फेला भाई, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तो उसकी हेल्थ है 1000 की, वो सह लेगा। और यहाँ पर फिर मैं जल्दी से इसके ऊपर बैठा और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको ट्रैंकुलाइजर डार्ट्स मार चुका था इस वक्त तक, और उसका टॉरपोर भी आधा से ज़्यादा हो गया था, ऑलमोस्ट हाफ तो हो ही गया था। और ये अपने टेराडॉन को मारने के लिए काफ़ी मारा भाई इसने अपने टेराडॉन को, ऐसा नहीं है भाई, क्या मजबूत मार लगाई है टेराडॉन की, वो मैं ही जानता हूँ भाई, बहुत पीटा है इसने टेराडॉन को। लेकिन अपन ने इसको डार्ट्स मारना नहीं छोड़ा और इसको काफ़ी ज़्यादा टॉरपोर इस वक्त हिट हो चुका है, और इसको अपन ने 6000 से ज़्यादा टॉरपोर दे चुके हैं अपन, जो कि 50% से ज़्यादा है। इसका 10000 टॉरपोर था भाई, ये बहुत ज़्यादा होता है 10000 भाई, इतना तो गीगा वीगा का नहीं, गीगा का तो बहुत ज़्यादा होता है, 80000 होता होगा यार, गीगा का पता नहीं मुझे, वैसे गीगा भी टेम करना पर स्पॉन ही नहीं होता। उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये भाई ये लावा वाले पहाड़ के अंदर भाई इतना गुस्सा हो गया भाई, इतना नशा हो गया से कि ये लावा के ऊपर बैठ गया भाई, और उसका हेल्थ भी कम हो रहा था धीरे धीरे, खराब लगा मुझे। फिर मैं इसको थोड़ा ट्रिगर किया कि ये मेरे को फॉलो करे, कहीं ये ऐसे ही ना मर जाए भाई, मेरे को बड़ा डर लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। वो उसको फिर मैं बाहर निकाल के और मैं चला गया अपने बेस, क्योंकि मेरे पास फूड की कमी हो रही थी और मेरी हेल्थ भी काफ़ी कम हो चुकी थी इससे पिटाई खा खा के। और फिर मैं यहाँ पे आया और कुछ फूड लिया अपने लिए और कुछ हीलिंग पेस्ट बनाए, जो कि अपने उससे ख़त्म हो गए थे जो अब जब अपन ने रैप्टर को मारने के लिए अपन ने यूज़ कर लिए थे। और राइट, और फिर यहाँ पे हीलिंग पेस्ट बनाए और कुछ स्टफ्ड पेस्ट भी बनाए, कुछ ग्रो पेस्ट बनाए। और जितने पेस्ट बनाने के बाद फिर मैं तुरंत फटाफट से रेडी होके निकल चुका था अपने आरजे के पास, जो कि मुझे टेम करना था, और उसका टॉरपोर काफ़ी जल्दी कम हो रहा होगा, इसलिए मैं फटाक से निकल आया। और वैसे इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो मुझे वहाँ पे ही बैठा हुआ मिल गया भाई, मुझे लगा कि भाग गया होगा, लेकिन वो वहीं पे बैठा हुआ मिल गया, वो बाहर जाने के लिए राजी नहीं है भाई, उसको कुछ ज़्यादा ही नशा हो गया और वो भाई लावा के अंदर भाग रहा है पता नहीं क्यों। और मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं लावा के अंदर ना गिर जाए और मैं ना गिर जाऊँ लावा के अंदर, अगर मैं गिरा तो सारा का सारा सामान तो जाएगा ही जाएगा और सब कुछ खो बैठूँगा भाई मैं। लेकिन एक बार भी अपन ने ऐसा डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी चांसेस तो लेने थे, क्योंकि अपन को इस आरजे को टेम करना था। और फिर मैं यहाँ पे आके देखने लगा कि वो मुझे फॉलो कर रहा है या नहीं, और वो मुझे फॉलो कर रहा था, ऊपर आया उसने मेरे टेराडॉन को हिट किया और मैं जल्दी से उछल कर अपने टेराडॉन पर बैठ के दोबारा से निकल लिया। इस तरीके से फिर दोबारा आया मेरे पास और ये फिर पता नहीं क्यों वापस हो गया, आई डोंट नो, पर मैंने जैसे ही वो वापस हुआ एक और हिट दे दिया था उसे। और राइट, और फिर मैं नीचे गिरते गिरते बच गया, अगर मैं यहाँ से नीचे गिरता तो सीधे काम 25 हो जाता मेरा, पर कुछ नहीं हुआ और मैं सेफली वापस आ चुका था। और फिर मैंने देखा कि ये नीचे की तरफ दोबारा जा रहा है, और फिर मैंने अपनी देखी क्लोज में एक सप्लाई क्रेट भी है और इसके अंदर भाई शॉटगन मिली मुझे, जो कि कितना 500 से भी ज़्यादा का डैमेज दे रही थी भाई, और एक गिली सूट का भी मिला जो कि अपने पास ऑलरेडी है, लेकिन भाई ओपी सामान मिला भाई सप्लाई क्रेट में एज़ यूजल। और फिर यहाँ पर मैं आ गया नीचे और देखा कि भाई फिर वो लावा की तरफ भाग रहा है, मैं चाहता था कि कहीं लावा के ऊपर कहीं ये ट्रैंकुलाइजर डार्ट्स इतने ना मार दूँ मैं कि ये लावा के ऊपर ही कहीं बेहोश ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा सोच समझ के मार रहा था, कैलकुलेटेड मार रहा था ताकि ये इतना ज़्यादा टॉरपोर इसका हिट ना हो जाए। और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था कि इसको अलग लेके जाऊं, और फिर यहां पर मुझे ये दिख गया बिल्कुल अलग, और यहां पर फिर मैंने इसको काफ़ी सारे डार्ट्स मारे और इसका पूरा का पूरा टॉरपोर मैंने इसी जगह पर हिट कर दिया, क्योंकि ये जगह सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस थी, और इससे अगर वो थोड़ा सा भी अगर दूर जाता तो लावा में गिर जाता, तो यहाँ पे ये हो चुका था एकदम
अनकॉन्शियस, और यहाँ पे अपन ने फिर इसके इन्वेंट्री में रख के कुछ नार्कोटिक्स और उसको नार्कोटिक्स खिलाए पहले सबसे पहले, और अपन ने इसका फूड वाला जो अपन जिससे भूख लग जाती है वो वाला पेस्ट खिलाया, और अपन ने आप एक दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किबल भी खिलाई। लेकिन भाई किबल खाने के बाद भी यार ये टेम नहीं हुआ, जो कि बहुत गलत बात है। फिर मेरे को अपने घर वापस जाना पड़ गया और मैं अपने घर वापस जाने लगा, और वहाँ पर से मैंने जैसे ही अपने घर पहुँचा सबसे पहले मैंने दो किबल उठाए, और रास्ते में मुझे दो रैक्स भी दिखे थे हाई लेवल के, लेकिन मैं उनको अभी टेम नहीं करने वाला, और जल्दी से मैंने यहाँ से दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी केबल उठाए और वापस आ चुका था। फिर मैं यहाँ पर लावा के इस पहाड़ पर, और यहाँ पर फिर मैंने देखा कि इसका टेमिंग तो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, और इसके देखो फिर मैंने और भी नार्कोटिक्स खिलाए, और अब मुझे पता नहीं कि मुझे दोबारा से इसके लिए केबल लेने जाना पड़ेगा, और एक केबल वो खा चुका है और दूसरा केबल भी खा चुका है भाई, और इसका टेमिंग कम हो गया था इसकी वजह से इसको दो केबल और लग गए। फिर मैंने देखा कि यार इसका लेवल अप बोनस का तो आने लगा है, तो अब इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने इसको कुक्ड मीट दे दिया। तो वैसे भी इस पर काफी अच्छा लेवल अप मुझे मिलने लगा था, 129 था शायद, और फिर मैंने इसको टेम कर लिया और अपने पीछे फॉलो करने लगा ये, और फिर अपन इसको लेके आ चुके थे अपने बेस, और ये काफी मस्त था भाई। लेवल अप के बाद इसका लेवल अप हो चुका था 408। फिर मैंने ग्रीन सप्लाई क्रेट देखी जो काफी टट्टी वाली लूट थी भाई उसके अंदर, और फिर हम लोग अपने बेस पर वापस आ गए, और अपने आरजी भी एकदम सही सलामत वापस आ चुका है। और फिर मैंने इसके स्टैट्स देखे, इसके स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं भाई, इसके काफ़ी अच्छे स्टैट्स हैं, तो ये अपना बहुत ही ओपी वाला आरजी होने वाला है। और गाइस और एक सेटिंग मैंने और भी चेंज कर दी क्योंकि अपना गेम भी काफ़ी लैग हो रहा था, और फिर तो मैं अब अपने में इतने ज़्यादा हाई लेवल के डायनोज एक भी स्पॉन नहीं होंगे, सिर्फ मैक्स टू मैक्स 270-280 जो कि अपने पुराने डायनोस थे उन्हीं की सेम नॉर्मल डिफिकल्टी रहेगी, क्योंकि इससे काफ़ी गेम भी लैग होता है, गेम का एक्सपीरियंस भी ख़राब होता है। तो अब अपन को ज़्यादा ग्राइंड करनी पड़ेगी अपने लेवल अप के लिए। तो सारे के सारे फिर मैं अपना थाइला कुलियों को बाहर लेके आ चुका हूँ, और सारे के सारे रैक्स जो भी घूम रहे थे सबको मारने लगा, और अपने थाइला कुलियों की पावर काफ़ी ज़्यादा है भाई, ये कहीं पर पत्थरों पर भी चढ़ जाता है गाय फिर, और इस समय ये काफ़ी अच्छा डैमेज डील कर रहा था जो कि 400 प्लस था। तो मैंने सोचा कि इसका इसके जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे ना अपन डैमेज में और हेल्थ में लगाने वाले हैं, स्टैमिना है तो इसका फिर भी ठीक है, और भाई इसको भी मार दिया, कोई काम 25 से हो जाता है इसका। वैसे ये भाई इसका एक चीज़ और है, ये जैसे काटता है ना तो भाई पूरे में ब्लड ब्लड होने लगता है, और इनका हेल्थ भी जाने लगता है अगर अपन बाइट भी ना करें तब भी। भाई ये काफ़ी बढ़िया कूल चीज़ है यार, काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर मुझे एक एल्फा दिखा, लेकिन मैं उसको मारने से पहले यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस किया मैंने, जो कि इन 80 लेवल 90 लेवल, ताकि अपना लेवल अप अच्छे अच्छे तरीके से हो, और इतने हाई लेवल के डायनोस अपन मारेंगे तो काफ़ी अच्छा लेवल अप होने वाला है। और यहाँ पर मैंने देखा भाई इसमें बड़ा अजीब बड़ा मज़ा सा आता है यार, एक फाइट करो भाई पूरे खून खून एकदम ख़त्म, हाँ 25 से कर देता है भाई अपना थायरा को, जो ओपी है भाई ये। और इसका लेवल अप मैंने देखा तो इसका लेवल अप काफ़ी हो गया हो चुका था, और मैंने सारे पॉइंट्स इसके मिले डैमेज और थोड़े से पॉइंट्स इसके हेल्थ में डाले, और फिर मैं इसका हील करा, और हील करने के बाद फिर मैंने देखा कि यार ये पेड़ पे भी चढ़ सकता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मैंने ट्राई किया कि ये पेड़ पे उल्टा होके इसने मुझे 2-3 बार मारा है तो अपन चढ़ सकते हैं क्या, और देखा कि भाई ये दोनों तरफ जा सकता है भाई, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, और अपन इसके ऊपर खड़े होके भाई कुछ भी कर सकते हैं, गन भी यूज़ कर सकते हैं भाई, ये तो बहुत ही ओपी चीज़ है यार, ये चीज़ तो हमको पता ही नहीं थी, और क्या मस्त चीज़ है भाई। मैं तो किसी को भी टेम कर सकता हूँ गीगा को, लेकिन इतना ऊपर तक तो गीगा आ ही जाता है भाई, पर इस जगह पर गीगा स्पॉन ही नहीं होता है कभी भी, अपने पूरे मैप में गीगा स्पॉन नहीं होता भाई, लेकिन ये कितना कूल लग रहा है यार। और फिर देखोगे कैसे नीचे की तरफ ऐसे सड़कते हुए आता है जो कि काफ़ी मस्त है, और एकदम भाई बहुत ही मस्त डायनो है भाई ये, और ये सारे पत्थरों के ऊपर चढ़ जाता है। फिर मेरे को यहाँ पे एक एल्फा कार्नोटोरस मिला जो कि 10 लेवल का था, तो उसको मारने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसका मेले डैमेज मैंने बढ़ाया था तो ये 880 का डैमेज दे रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। और उसके बाद फिर मैं थोड़े और मारने आ गया, और फिर यहाँ पर मैं फंस चुका था
कुछ रैप्टर्स के, उनमें एक अल्फा भी था और कार्नो भी थे भाई काफ़ी ज़्यादा। मुझे लगा कि यहाँ पे मैं गलत पंगा ले लिया हूँ, लेकिन अपने थाइला कोलियो ने सबको एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से डील किया और अपन लोग आराम से यहाँ से बच के निकल गए। इतना ज़्यादा डैमेज भी नहीं हुआ, लेकिन अल्फा को मारने के बाद अपन को 10 पॉइंट्स और मिले, और जो कि अपन ने इसकी हेल्थ में लगा दिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसकी हेल्थ अभी भी कम है क्योंकि भाई बच गया था मैं उधर। और राइट, फिर अपन लोग अपने बेस पे आ गए और देखा मैंने यार ये वॉल भी अपनी एक बार में छलांग लगा के पार कर सकता है। भाई ये बहुत ही कूल चीज़ लगी, इसलिए मैं 2-3 बार और ऐसे करने लगा इसके साथ, क्योंकि ये काफ़ी मस्त चीज़ है यार। इसकी वॉल पे ऐसा उल्टा चढ़ जाता है यार, ये क्या बात है भाई, इतना वेट है इसका, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसे, और कितना हाई जंप लगाता है। तो और इसका फिर एक लेवल अप और हुआ था, तो हमने लेवल अप किया। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।